सो गाइस अभी ना हमारा एक छोटा सा क्रैश हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग घर से ही शुरू हो रहा है और घर पे ही खत्म होगा। आज हम कहीं बाहर नहीं जाने वाले। एक्चुअली पहले प्लान था बाहर जाने का, बाहर कहीं जंगल वाली साइड जाने का, वहाँ पे चिकन वगैरह बना के खाने का, बट वो प्लान कैंसिल हो गया। बट फिर हमने सोचा कि यार अब मतलब स्पॉइल नहीं करेंगे मूड को, अपना दिन वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि व्लॉग भी बनाना था आप सबके लिए। तो हमने सोचा क्यों ना छत पे चढ़ के छत पे ही सारा सिस्टम कर लिया जाए। सेटअप क्या किया हुआ है, बनाने वाले हैं बारबेक्यू। तो ये हमारे सारे कोल वगैरह पड़े हुए हैं एंड अभी हम इसमें लगाएंगे आग वगैरह, कोल को गर्म करेंगे एंड उसके बाद अपने चिकन वगैरह वहाँ पे पड़ा हुआ है, फिर बारबेक्यू बना लेंगे। बाकी आप गाइस ये चेक कर सकते हो यहाँ से व्यू कितना ज्यादा प्यारा है एंड मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब ठंडा ठंडा सा मौसम है, हल्का हल्का सा, तो काफी मस्त है एंड हल्की हल्की हवा भी चल रही है, वो भी काफी मस्त है, काफी मजेदार है। बाकी गाइस अगर मैं यहाँ से नीचे दिखाऊँ ना, हम तीसरी मंजिल पे हैं। हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे हाइट से ना बहुत ज्यादा डर लगता है, बट चलो फिर भी हम अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे बैठे, क्योंकि यहाँ पे ना हवा अच्छी चल रही है और मस्त मजा भी आएगा। तो फिलहाल गाइस अभी अबूजर वगैरह गए हैं बाहर से कुछ सामान लाने, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो भी आ जाते हैं। फैसल भाई भी अपने साथ एंड सफान भी है। सफान ना मुंह दिखा। सो गाइस सफान भी है, तो अभी सफान और मैं काम करेंगे, तब तक वो भी आ जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो पिछले स्टे ट्यून। वो तो सारा नीचे गिर रहा है। तो गाइस अभी ना थोड़ा हमने यहाँ पे हमें कुछ मिल गए थे, कुछ कागज मिल गया था हमें जिससे हमने आग लगाई है, वो मत दिखा। फिर तक हमारे कोयले जल चुके हैं एंड अब सबको ना अच्छे से आग लगा लेता हूँ एक बार, आप चेक कर सकते हो। तो मैं फूंक मार के बताता हूँ आपको। तो गाइस अपने फैसल भाई भी आ चुके हैं, खाली अब उधर बचा हुआ है। फैसल भाई ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले आए हैं। बाकी अपनी ये देखो, ये रही अपनी सीखे। सो गाइस हमें लगा चिकन कम पड़ रहे हैं, हम ना और चिकन ले आए। आप देख रहे हो कितना सारा चिकन हो चुका है अब हमारे पास एंड थोड़ा बहुत बन भी गया हम जो हम खा रहे हैं, बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी बना। थोड़ा सा नमक कम है, नमक अभी हम नीचे से ले आएंगे तो नमक भी बराबर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है। तो हो चुका है कि अपने कोयले सारे खत्म हो चुके हैं, इतने से बचे हैं एंड अभी अपने पास देख लो इतनी सारी बारबेक्यू है जो अभी बनानी है। मतलब भाई कम से कम 10-15 सीखे, ज्यादा ही सीखे पड़ी हुई, 10-15 से तो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है एंड अभी ये सारी बनानी है। तो फिलहाल कोयला ही नहीं है अपने पास, अब गाइस दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। अब देखते हैं क्या करते हैं भाई, क्या करेंगे सर? ठरकी वाला फेस क्यों बना रहे हैं? दुखी, ऐसे दुखी होते हैं। तो गाइस अभी अपने सलमान भाई भी आए हैं एंड एक और भाई आए हैं, वो भी गए हुए हैं, वो बोल रहे थे मैं लकड़ियां लेके आता हूँ, लकड़ियां जलाते हैं। बाकी आप देख सकते हो अंधेरा हो गया बहुत ज्यादा भयानक वाला, भी ब्लर ब्लर हो गया सारा, अंधेरा हो चुका है। गाइस ये देख रहे हो आप पूरा बारबेक्यू खत्म, मेरी ना जंग चल रही थी, सबकी लड़ाई चल रही थी, आप देख रहे हो हालत क्या हो गई है यहाँ पे छत की। सुबह आके घर वाले जब देखेंगे ना हमारी लेन देन कर देंगे। कोयला नहीं था, इतने जुगाड़ किए गाइस यहाँ से नीचे डाल दिया हमने बारबेक्यू, फिर अंदर से बनाई और इतनी टेस्टी बनी बाद में, क्या फैसल भाई? बढ़िया बढ़िया सही। सो गाइस फिलहाल ना अब यहाँ पे सेटअप करते हैं, ये बन सारा उठा लेते हैं एंड उसके बाद आई थिंक आपसे सुबह मिलेंगे अब। सो हेलो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नीचे डोडा पुल के पास से एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हेलमेट वगैरह लगा के कहाँ जा रहा हूँ। गाइस मैं पहले आपको बता देता हूँ, रात को मैं ब्लॉग आगे इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि रात को ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था एंड हम जो बारबेक्यू वगैरह बना रहे थे फिर हम उसी में बिजी हो गए थे क्योंकि हमारे पास जो कोल था वो भी खत्म होने वाला था एंड उस चक्कर में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी हमें बारबेक्यू बनाने के लिए। बट एट देन हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नेक्स्ट डे मैं जा रहा हूँ भदरवाह के लिए एंड मैंने सोचा चलो आगे का ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू करते हैं एंड आपको भदरवाह जाके दिखाते हैं भदरवाह के नज़ारे। एंड फिलहाल ये नज़ारे चेक करो गाइस, पीछे ये हमारे चिनाब, आप सबको तो पता ही होगा चिनाब जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा है एंड मेरी बहुत ज्यादा पर्सनली फटती है चिनाब से। सो गाइस अभी ना थोड़ा सा मोटो व्लॉग भी कर रहे हैं हम, तो लेट्स गो गाइस। यहाँ से ना हवा भी बहुत ज्यादा चल रही है और जब मैं बाइक थोड़ा सा भी तेज करता हूँ तो हवा और ज्यादा तेज चलने लगती है जिसकी वजह से मे भी आपको बहुत ज्यादा नॉइस प्रॉब्लम आ सकता है गाइस सुनने में, क्योंकि मेरे को माइक भी नहीं लगी हुई है, गुम हो चुकी है गाइस। ट्रैफिक लग गया, ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम। आज मोटो व्लॉग कर रहा हूँ तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है राइड का एंड जब ये धूप पड़ती है ना भाई, धूप में तो अलग ही सुकून मिलता है। गर्मियों में तो धूप में मौत आती है बट भाई सर्दियों में धूप का मजा ही अलग है।
सो गाइस काफी टाइम से ना इन गाड़ियों के बीच चल के मेरा दिमाग खराब हो रहा है एंड अब ये टाइम है इनको ओवरटेक करने का। अब देखते हैं गाइस। सो ये यहाँ से अभी निकालता हूँ गाइस, ये निकले गाइस अब लोग। ओ भाई खतरनाक, क्या लीन था यार, ये वाला लीन ना बहुत ज्यादा परफेक्ट और सेक्सी लीन था यार। सो गाइस अभी हम बद्रवा पहुंचने वाले हैं, यहाँ से थोड़ा ही दूर है एंड यहाँ से अभी पुलिस वालों की गाड़ियां जा रही हैं। चलो आगे निकल। अबे अबे ओए यार बच गया गाइस, बाल बाल बच गया एंड ऊपर से हाथ भी मेरे को दिखा रहा है गाइस। ये आपने देखा गाइस, चेक किया मतलब मैं ओवरटेक करके निकल रहा था एंड ये गाड़ी लेके उसी साइड मुड़ गया एंड ऊपर से मुझे ही हाथ दिखा रहा है भाई की। सो गाइस काफी देर से इनके पीछे चलने के बाद ना अब दिमाग खराब हो गया कसम से, बहुत ज्यादा परेशान। अबे अबे क्या हो गया। सो गाइस आर्मी ऑफिसर ने मुझे रोक लिया हुआ था एंड अब निकल रहे हैं यहाँ से। मैंने ना फिर काफ़ी टाइम यहाँ पे वेट किया ताकि वो बहुत आगे निकल लें एंड बाद में मैं यहाँ से निकलूँ, तो अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि यार वो ना मेरे को आगे जाने नहीं दे रहे थे, बार बार रोक रहे थे, जैसे मैं थोड़ा सा पास जाऊँ तो मुझे रोक लेते थे। तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ आराम से यहाँ से, उनको मैंने काफ़ी आगे जाने दिया पहले, अब जा रहा हूँ मज़े में ताकि वो मुझे दूर दूर तक कहीं ना दिखे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उनके भी चल चल के यार। एक तो खुद भी मतलब ऐसे रोक रोक के चलवा रहे थे तो इसलिए एक ही जगह पर रुक गया ताकि वो आगे निकल जाए, फिर मैं आराम से निकलूँ। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज अभी ना मैं तीसरे दिन ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो कल मैं बद्रवा आ गया हुआ था, रास्ते में थोड़ा बहुत शूट कर रहा था मोटो व्लॉग टाइप, बट ना मन नहीं गया शूट करने का तो फिर मैंने वो भी रहन दिया। तो अभी का व्लॉग शूट हो रहा है घर से, ये मेरा पीछे मासी का घर, आपने देखा होगा पहले भी व्लॉग्स में। सो गाइज अभी ना हम सारे यहाँ पे जमा हो चुके, देखो अफजल भी है यहाँ पे, फैजान भी है एंड एंड अयान आ चुका है जम्मू से, जस्ट अभी अभी पहुंचा हुआ है बद्रवा एंड अभी हम निकल रहे। जैसे ये पहुंचा वैसे हमने इसको रुकने नहीं दिया, हमने बोला चल भाई कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं मजे से। तो अभी ये कह रहे हैं कि भाई तुमने सीखे बनाई थी परसों, सीखे इन द सेंस की तुमने बारबेक्यू बनाया था परसों, तो आज भी बारबेक्यू बनाएंगे बट जंगल में बनाएंगे। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं जंगल की तरफ एंड सामान वगैरह लेते हैं बाहर से एंड बनाते हैं। और एक और शख्स से मिलाना तो भूल ही, बंदरू मिला बंदलू। बाकी सारा सामान परचेज करने के बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं एंड ये देखो अपनी पलटन ये रही एंड रास्ते में एक छोटा सा हादसा भी हो गया गाइज, ये लोग गिर भी, मैं आपको बता दूं अयान ने ना रेत के सामने ब्रेक मार दी कोल्ड ड्रिंक की शॉप के सामने एंड ये गिर गए, स्क्रैच वगैरह लगे हैं यहाँ से। बट गाइज सबसे फनी बात ये है कि इन तीनों में से एक भी नहीं, तीनों पहले स्कूटी से उतर के स्कूटी गिरा दी, और फैजान तो सीधा गिर के बाद सीधा दुकान में घुस गया, मतलब बाकी इसने आगे पीछे देखा ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। आपको लगेगा झूठ है, देखो ये चिकन का लिफाफा है, ये देखो रेत से दिख रहा है, रेत दिख रही होगी आपको अंदर भी, ये देखो अंदर से तक फट गए इतने जोर से ये लोग गिरे हैं यार। बट इनको देखो गाइस, इनको रेत का एक निशान नहीं क्योंकि ये नीचे गिरे ही नहीं, ये वैसे ही उड़ गए जैसे ही मतलब गिरे ना, तो अयान ने भी पांव लगा दिए, लंबे हैं तो उस वजह से ये बिल्कुल जमीन से टच भी नहीं हुए, स्कूटी गिर रख लो गई। तो गाइस फिलहाल ना अपनी चार सीखे लग चुकी है क्योंकि आपने लास्ट टाइम अभी पहले देखा होगा थोड़ी देर पहले हमारे पास सीखे बहुत ज्यादा थी पर वो डोडा में थी, अभी हमारे पास बद्रवा आगे हुए हैं तो हमारे पास सीखे बहुत कम है, इसलिए चार चार सीखे तो चार चार करके ही बना रहे, चार चार करके खाएंगे, जो कैमरा मैन है वो नहीं खाएगा। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साला। वेस्टेड अवर डे, इतना बेकार दिन गया, पैसे वेस्ट, पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी और व्लॉग भी नहीं बन पाया, फायदा ही नहीं हुआ कोई आने का यार, क्योंकि यहाँ पे ना अच्छे से आग लग नहीं रही थी, हवा चल रही थी एंड आग लग रही थी, कोयले बन नहीं रहे थे, चिकन की माँ बहन एक होगी वो हमने आधा कच्चा खा लिया, अब आधा बचा वो व्लॉग नहीं आएगा ये भी बोल, अब आधा कच्चा खा लिया, अब पता नहीं रात को बचेंगे या नहीं बचेंगे, बाकी जो बचा हुआ मीट है वो घर लेके जा रहे हैं, घर पे फ्राई करके खाएंगे यार, माँ की आंख होगी गाइस ऐसे की। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आज है हमारा चौथा पांचवा दिन बद्रवा में एंड मैं डोडा वापस गया ही नहीं तो अब उधर भी थोड़ा नाराज ही होगा। सो गाइस हम ना व्लॉग वगैरह भी शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि ना कजिन वगैरह के साथ मिल गए हैं, थोड़ा अपने ही मस्ती वगैरह कर रहे हैं तो उतना व्लॉग वगैरह पे फोकस नहीं कर पा रहा, इस व्लॉग को आने में मुझे लगता है ऑलमोस्ट 10 दिन लग जाएंगे गाइस, जिस हिसाब से ये व्लॉग बन रहे हैं ना, पहले 2-3 दिन में एक थोड़ा सा क्लिप बनी 1-2 मिनट की, फिर 2-3 दिन में 1-2 मिनट की बनी, अभी फिर मतलब स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं डोडा के लिए, मैं अयान एंड मेरे कजिन है मुदसर भी है एंड मेरे मामू का लड़का दानिश, उससे आप शायद पहले मिल चुके हो व्लॉग्स में, तो वो अभी यहाँ पे आया हुआ है गाइस, क्रिकेट का मैच खेलने, उसका मैच चल रहा है यहाँ पे एंड अभी सेकंड इनिंग चल रही है एंड 2-3 ओवर ही बचे हैं, तो उसके बाद गाइस वो फ्री हो जाएगा एंड हम निकलेंगे डोडा के लिए। ये रही अपनी गाड़ी एंड यही गाड़ी अभी हम लेके जा रहे हैं, तो ये मुदसर भी अकी है, गाड़ी ड्राइव मैं कर रहा हूँ, तो ये रहे अपने मुदसर भी अयान वगैरह, ओ चश्मा पहन ले, कैमरा देखे चश्मा पहन ले गाइस, बाकी गाइस क्या लग रहा है यार पीछे बादल। राज माँ की कसम अगर तो देखे ना भाई क्या व्यू आ रहा है पीछे, फोटो तो नहीं लूंगा तो भाई तेरी सेक्सी फोटो आ जाएगी तो अपलोड कर देगा, कोई लड़की सेट होगी तो फिर भाभी तेरी बनेगी, भाभी मेरी बनेगी तो बीवी थोड़े बनेगी नहीं।
दूसरी शादी में 10 रुपए की, पहले बीवी मार देगी उसको। सो गाइस ये देखो ये चल रहा है मैच। गाइस ये देख रहे हो ये मेरा कजिन है भाग रहा है, देखो कैसे कैसे लंगूरों की तरह भाग रहा है बॉल पकड़ने के लिए। सस्ता धोनी। ये चेक कर सकते हो आप घर कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं पेड़ों के बीच में, एंड ऊपर आसमान देख लो। ओ भाई साहब आसमान बहुत ही ज्यादा भयंकर एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हुए, एंड पर फिर भी यार मुझसे खूबसूरत थोड़े ही है। बॉल पकड़ ली हाथ में एंड ये लगे हैं भागने, एंड ये देखो भागते भागते ये उछाली टांग एंड ये फैली नो बॉल एंड ये बच गया है चौका। सो गाइस क्या शानदार बेकार खेलते हुए हमारे खिलाड़ी, एकदम सस्ते प्लेयर हैं ये लोग। पैर बाहर था, नो बॉल थी, बट देखो नो बॉल की डिमांड किसी ने नहीं की, यहाँ पे मैंने बॉल भी दिया। अंपायर मिला हुआ है गाइस, अंपायर ने पैसे लिए हुए इनसे 10-10 रुपए। गाइस अभी हमने अपने कजिन को फोन कर लिया हुआ है, मैच समाप्त हो चुका है एंड वो आ रहा है। मैं अभी कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, तो गाइस अभी वो आ रहा है ऊपर एंड अभी उसकी लेनी देनी करता हूँ, पूछता हूँ क्या मैच फिक्सिंग की थी तूने, 10-10 रुपए दिए अंपायर को साले। क्या बोल रहे तू, सब लाल लाल दिख रहा है, लाल लाल दिख रहा, नहीं चश्मा लाल है, लाल है पूरा ठेला लाल है। गाइस एक ही बात उन्होंने इकट्ठे बोली। ये देखो मेरा कजिन एंड एक और दोस्त आ रहा है साथ में, ये आ रहे हैं मैच जीत के। ओए जीते कि हारे, जीत गए, मैंने देखा तुमने अंपायर को 10-10 रुपए दिए, सालों फिक्सिंग करते हो, मैच फिक्सिंग करते हो, 5-5 रुपए दिए, क्या कितने पैसे जीते? हमने जीते 1000-2000। कहाँ है पार्टी होगी? पार्टी होगी, दानिश 5-5 रुपए बचे ना उनसे पार्टी करेंगे। सो गाइस अभी ना हमारा एक छोटा सा क्रैश हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखो अभी पैंट वगैरह मैंने साफ कर ली हुई है, अभी ना हम पीछे गिर गए थे एंड मेरे को यहाँ से थोड़ा ये जूता वूता छिल गया हुआ है एंड पाँव छिल गया हुआ है अंदर से, आप देख सकते हो, तो लगी वगी तो नहीं, हम बच गए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का हल्का गीला है, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हो ना गाइस, ये चेक करो जैसे आप वो चीज़ देख रहे हो ना वहाँ पे बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी थी पीछे, तो टायर स्किट हो गया एंड मेरा पाँव गियर के अंदर फंस गया और बाइक गिर गई नीचे। बट ये बंदा देख रहे हो गाइस, इसको कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई और ना ही कपड़े गंदे हुए, क्योंकि जैसे बाइक हल्की सी स्किट हुई ना, मतलब उस पर मिट्टी पे 10-15 की स्पीड थी, ये पीछे से पहले उतर गया, उसने पैर नहीं लगाया, बाइक अपने आप निकल गई, ये खड़ा वहीं पे खड़ा रह गया। तो खाली मैं बाइक के नीचे फंस गया क्योंकि मेरा गियर के मतलब नीचे पाँव था, तो गियर मेरा फंस गया यहाँ पे एंड मुझे यहाँ पे हल्की सी लग गई। बाकी तो गाइस अच्छे से ये हम लोग अब आगे जाके दिखाता हूँ मैं आपको बाइक वगैरह को क्या हुआ है।